एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर खड़ा हूं। आइए आपको भी लिए चलते हैं जोगी गेट में, क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर, और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और किन सुविधाओं का अभाव है। अब मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करने जा रहा हूं जिससे एक गैर जिम्मेदार और अमानवीय चेहरे का पर्दाफाश हुआ है। ये पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि अंतिम संस्कार के बाद बची चंद मानव अस्थियों से हुआ है, जो आज लगभग 25 साल बाद दुर्घटनावश जोगी गेट शमशान घाट के बंद इलेक्ट्रिकल शवदेह गृह के कक्ष में पड़ी हुई थी। इसके साथ ही ये कक्ष लंबे समय से बंद है और लंबे समय से बंद हो जाने के कारण यहाँ फंसे एक डॉग यानी कि कुत्ते का भी पिंजर देखने को मिला। माना जा रहा है कि अस्थियां 2 दशक से अधिक समय से इस कक्ष में पड़ी थी, जिसको सालों पहले बंद कर दिया गया था जब उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। यहां ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, कुछ एक दो को छोड़कर इसका इस्तेमाल ज्यादातर लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। जम्मू कश्मीर में शमशान भूमि की देखरेख करने वाली संस्था सेवा समिति के एक कार्यकर्ता ने बताया कि विद्युत शवदेह गृह में दह संस्कार करने के बाद फूलों को यानी के अस्थियों को हमेशा एकत्रित किया जाता था और उन्हें उसके बाद स्टोर कर लिया जाता था। चिता पर दह संस्कार किए गए लावारिस शवों की राख को भी स्टोर किया गया और सूर्य ग्रहण से पहले इन्हें विसर्जित कर दिया गया। इलेक्ट्रिकल शवदेह गृह में सिर्फ 20 से 25 दह संस्कार हुए हैं और ये इलेक्ट्रिकल मशीन लंबे समय से यहाँ पर खराब पड़ी हुई है, जिसकी आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली। हमारे पास मशीन तो जहाँ पर 94 में जो लगी थी, 90 से इसका काम चल रहा था और 94 में जब मशीन तैयार हो गई थी, फंक्शनिंग हो गई थी, जहाँ पर SP काजल थे, कमिश्नर PWD के, जिनकी बेटी और वाइफ की दोनों की डेथ हो गई थी डल गेट में ड्राइविंग से जी, तो उनका क्रिमिशन पहले जहाँ पर हुआ था, लेकिन जो टाइमिंग थी उनकी 90 मिनट की रखी हुई थी कि ये मशीन जो फंक्शन करेगी 90 मिनट में क्रिमिशन हो जाएगा, लेकिन 90 मिनट के बजाय उसने 3-4 घंटे पहली बाड़ी को ले लिए थे, 4-5 घंटे जी। उसके बाद वो दूसरी करते करते उनको बेचारों को दूसरी सुबह हो गई थी जी। इसलिए उस मशीन के ना चलने से क्या हुआ कि लोग तो आते थे जो बेचारे सिटीजन थे हमारे, जहाँ पर 25-30 केस ऐसे हुए जो जम्मू के सिटीजन थे, जिन्होंने जहाँ पर अपने माता का, पिता का, ब्रदर का, सिस्टर का, किसी न किसी का संस्कार वहाँ पर किया है। लोग इंटरेस्ट लेते थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन बाद में क्या कि वहाँ पर टाइम बहुत लगता था, लकड़ में करते थे तो 5.5 घंटे में हो जाता था, वहाँ करते थे 6-7 घंटे लग जाते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर करना छोड़ दिया। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमने लावास जो भी डेड बॉडी हमारे पास 15-20 हर महीने हमारे पास आती हैं, चाहे वो थाने से हो, वृद्धाश्रम से हो, और कोई शांति भवन है वहाँ से आती हैं, या कुष्ठ आश्रम से, हॉस्पिटल से, तकरीबन जो भी बॉडी आती है वो हमारे पास लावास से आती हैं, उनका हम वहाँ पर क्रिमेशन करते थे। लेकिन वो भी 2-3 साल चला, उसके बाद जब मशीन ख़राब हुई तो इन्होंने टेंडर दिया ही नहीं म्यूनसिपल्टी ने उनको, उन्होंने बंद कर दिया। जो इंजीनियर था वो बाहर से आता था, जो कंपनी का था जिसको, तो हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से जो है मशीन खराब पड़ी है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसके लिए हमने म्यूनसिपैलिटी को बारंबार, जब भी हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी साहब सुरेंद्र सारण जी प्रधान है हमारे, सेक्रेटरी साहब राकेश शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हमारे, और पूरी टीम, हमने कई बार लेटर लिखे म्यूनसिपैलिटी को
इस मशीन को शुरू करवाया जाए, क्योंकि सेवा समिति के पास इतना तो पैसा है नहीं, फंड्स है नहीं, जो सेवा समिति लाखों के हिसाब से वहां पर पैसे लगा सकती है। क्या मौजूदा समय में जो मौजूदा मेयर हैं, क्या उनके पास विजिट की गई, क्या उनके पास ऐसा कोई प्रपोजल दिया गया, क्या उनसे मांग की गई? नहीं, इनसे पहले चंद्रमोहन शर्मा थे, हमने लेटर उनको दिया था, ठीक है, उन्होंने विजिट भी की थी, उन्होंने बोला था इसको ठीक करवाएंगे, लेकिन उसके बाद चलो मेयर जी चेंज हो गए, अब रजिंदर जी आए से 5-7 दिन पहले आए थे, उन्होंने वहां पर विजिट की, अब क्या करते हैं वो उन्होंने करना। इसके अलावा यहाँ पर जो है गैस वाली क्रिमेशन मशीन भी है, उस मशीन को क्या कहते हैं, क्या वो भी फंक्शनल है या वो भी नॉन फंक्शनल है? उसके लिए भी आपको बता दूं कि आज से जो कोरोना का जब सीजन, कोरोना का जो महामारी खत्म हुई थी, उसके साथ साथ ही जहाँ पर खालसा ट्रेडर्स हैं जम्मू के, उन्होंने जो 2 मशीनें लाई थी, एक जहाँ पर जोई गेट में छोड़ी थी और एक पता नहीं दूसरी जगह कहाँ पर लगाई है, उन्होंने मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस वक्त म्यूनसिपैलिटी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम इसको स्टेबल कर देते हैं जल्दी, लेकिन 1.5-2 साल हो गया देखते देखते, चंद्रमोहन शर्मा जी भी रिटायर हो गए, लेकिन वो स्टेबल नहीं हुई आज तक। बाकी दोनों मशीनें जो हैं इस वक्त फंक्शनल में नहीं है, हालांकि 2 मशीन्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर अन्य मशीन्स लगने की जगह भी है। जगह है जहाँ जो अंदर इलेक्ट्रिकल लगी हुई है वहाँ पर एक मशीन तो लगी हुई है जो काम नहीं कर रही है, उसके अलावा एक का स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पर भी मशीन लगाई जा सकती है, लेकिन बिल्डिंग ना देख रेख की वजह से वहाँ देखो पूरी बिल्डिंग ही खराब हो गई है, 10 लाख रुपया सिटी जन का लगा हुआ है वहां पर, बाकी गवर्नमेंट ने लगाया उस वक्त 90 के दशक में 10 लाख रुपया जम्मू के सिटीजन ने दिया हुआ है जो सेवा समिति के थ्रू लगा हुआ है, बाकी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। अब आप अपील क्या करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, मेयर साहब से, क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो सेवा समिति की तरफ से पहले भी उनसे अपील करते थे, हमारे प्रधान साहब सेक्रेटरी साहब काफी बार गए हैं वहां पर, लेटर दिया उनको कि भाई इसको स्टेबल किया जाए, तो आप भी उनसे अपील करते हैं कि इसकी ओर देखें, अगर स्मार्ट सिटी बन रहा है तो इसको भी स्मार्ट किया जाए, जेब तो एक हमारे इंसान की लास्ट आखिरी ख्वाहिश है, वो जहाँ पर जाते हैं जेब भी सुंदर भी होना चाहिए और इसको इसकी ओर ध्यान भी देना चाहिए। मैं आपसे आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लवारिस बॉडीज यहाँ पर आती हैं तो उनकी जो अस्थियां हैं उन अस्थियों को क्या किया जाता है, क्या प्रावधान है, किस प्रोविजन के तहत जो है उन्हें कहाँ पर जो है लेकर जाते हैं, क्या हरिद्वार लेकर जाते हैं या फिर परमंडल में लेकर जाते हैं? हम शुरू से पहले हरिद्वार ही जाते थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी जाते थे, हमारे सेक्रेटरी साहब थे रमेश शर्मा जी जो वो भी जाते थे, तो हम मैं खुद जाता था, कई बार गए हम, लेकिन काफ़ी 2-4 साल से हमने क्या किया कि सब ने बोला भी परमंडल जाया करो, जो हमारी वर्किंग कमेटी है ना ऊपर सेवा समिति में कहा भाई परमंडल ठीक है सब के लिए, गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल हैं, हम 1-2 महीने में 100-150 आदमी की होती हैं अस्थियाँ, तो हम 2-3 आदमी चले जाते हैं, एक मैनेजर मैं खुद जाता हूँ, नहीं तो मेरे जहाँ 3 मैनेजर हैं और 2 हैं जोगिंदर जी हैं बोधराज जी हैं, हम कोई ना कोई उनके साथ जाते हैं और हमारे बावे होते हैं चले जाते हैं वहाँ अस्थियाँ प्रवाह करके आते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि समय जो है ज़्यादा लग गया हो, 2-3 महीने में ना जा पाए हो, 6 महीने हो गए हो, साल हो गया हो? पहले हमने डिसाइड रखा होता था, पहले ये रखा होता था ग्रहण के ऊपर जाएंगे, सेवा समिति ने पहले एक रूल बनाया होता था जब भी ग्रहण लगने वाला होगा उससे 2-4 दिन पहले ज़्यादा तो हम हरिद्वार चले जाएंगे, नहीं तो परमंडल जाएंगे, लेकिन आजकल उस सिस्टम को हमने चेंज किया हुआ है, हमने यही रखा है, हमारी गाड़ी तकरीबन जाती रहती है वहाँ पर, कोई ना कोई सिटी से जाता है जिनका अनमैरिड बच्चे की डेथ हो जाती है ना, वो जाते ही जाते हैं गाड़ी लेके, तो हमारे आदमी उनके साथ जाते हैं, बाबा जी जाते हैं, ड्राइवर होता है, हम खुद भी चले बैठ जाते हैं गाड़ी में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आदमी नहीं बैठते और गाड़ियाँ बहुत छोटी हैं उनके पास, इसलिए हम खुद जाके उनको वहाँ पर अच्छे तरीके से जो भी हो सकता है उसको प्रवाह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू शहर के मेयर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने शमशान घाट का कुछ दिन पहले औचक निरीक्षण किया और इस दौरान बंद पड़े इलेक्ट्रिकल शवदेह गृह के कक्ष में कुछ अस्थियों का पता लगाया। महापौर ने एक एम्बुलेंस बुलाई और शमशान घाट के कुछ कर्मचारियों की मदद से इन सभी अस्थियों को स्वयं एकत्रित किया और फिर उन्हें गुप्त गंगा में उचित हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विसर्जित करने के लिए पुरमंडल में बेच दिया। महापौर ने पूरे शमशान घाट का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।
इस वक्त जम्मू के मेयर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हाल ही में जो है क्रिमेशन ग्राउंड का दौरा किया था, क्या वहाँ पर आपने पाया? मैं गया था वहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए और ये देखने के लिए कि जो 92 में वो बना था उसकी क्या हालत है और क्या हम उसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। जब मैंने वहाँ से इंस्पेक्शन किया उनको तो एक चीज़ पाई वहाँ की, एक जो प्लेटफॉर्म को इंसर्ट करते हैं वो प्रॉपर नहीं था, और दूसरा मैंने उनको पूछा ये हम कर देंगे, ये तो थोड़ी सी अमेंडमेंट करने पड़ेगी तो वो हो जाएगा। दूसरा मैंने उनको पूछा कि ये जो अस्थियाँ आप कहाँ कलेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा निचली वाली साइड में एक नीचे गो डाउन है जी, और वहाँ पे ये अस्थियाँ हरी कलेक्ट होती हैं। तो मैं जब गया तो मैंने कहा इसको आप कैसे कलेक्ट करते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इसको ऐसे वाइप करते हैं और फिर नीचे बाउल है उसमें कलेक्ट होती हैं। तो मैंने कहा इस बाउल को रोटेट करो, तो रोटेट किया तो उसमें अस्थियाँ निकली जी। तो वो पता नहीं कब से थी वहाँ, तो फिर मेरे मन में आया कि अब क्योंकि इतनी देर से अस्थियाँ पड़ी हैं और हिंदू और हमारे शास्त्रों के अनुसार आदमी की गति होती है उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के बाद जी, तो 92 में ये बना था। फिर मैंने उनको कहा और कितने ऐसे अनक्लेम्ड शव हैं जिनकी अस्थियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा 4-5 हैं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे अपने स्टोर में लो और वहाँ जाके मैं चेक करूँगा। जब स्टोर में चेक किया तो वो 100 निकली, तो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर था। फिर मैंने उनको कहा भाई आप ऐसा करो एम्बुलेंस लेकर और इन सब को परमंडल में हम विसर्जित करेंगे ताकि हिंदू शास्त्र के अनुसार इनका गति हो सके और इनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो इस तरीके से फिर वो हमने खुद वहाँ उठाई जी। कुछ हमारे मेरे साथ अपने यहाँ कॉरपोरेशन के अधिकारी भी थे, उन्होंने भी उठाई और वहाँ के भी जो व्यवस्था के लोग हैं उन्होंने भी उठाकर फिर वहाँ उनको हमने परमंडल के लिए रवाना किया। जैसे कि इन फ्यूचर अगर हम बात करें, जो ये मशीन काफ़ी देर से बंद पड़ी है इलेक्ट्रिक मशीन, और बार बार जो है यहाँ पर आवेदन भी किए गए हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, क्या कदम उठाए जाएंगे? उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे क्योंकि जो व्यवस्था बनी है और इतने पैसे खर्च हुए हैं तो चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए जी। ये कोई बाइंडिंग नहीं होगा कि कोई वहीं जाके क्रीमेट करे जी, लेकिन ऑप्शनल है, अगर कोई यूज़ करे तो कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इतना हमने पैसा लगाया है, इतना अगर हमने एसेट्स क्रिएट किए हैं, डेट मस्ट बी ऑपरेशनलाइज। और आपने वैसे भी देखा है जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कोविड में आपने देखा जी कि किस तरीके से लोगों को परेशानी आई और हमने वहाँ शमशान घाट में लोगों को भेजा, कहीं जो दाह संस्कार करने के लिए गए थे वही कोलैप्स हो गए। बिल्कुल। और अगर ये व्यवस्था तब चली होती हमारी तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। और सोसाइटी में कब चीज़ का कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा कोई पता नहीं है। बिल्कुल। एक और मशीन की बात करें जो गैस से चलती है, वो भी वहाँ पर है लेकिन वो भी फंक्शनल में नहीं है। वो किसी ने डोनेट की थी, उसमें गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो गए, वो चलती है, उसको भी हम ऑपरेशनलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले हमें तो ये जानना होगा हमारे कौन कौन से एसेट्स ऐसे हैं जहाँ ऑपरेशनलाइजेशन की जा सकती है जी। तो वही हमने पहले की है फर्स्ट इंस्पेक्शन, अब बाकी इनके प्लान बनाएंगे कि इसको कैसे हम ऑपरेशनलाइज करें, और जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। साफ़ सफाई की तरफ बात करें तो क्या साफ़ सफाई की तरफ से भी जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इस दिशा में कोई कदम उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है। आप वहाँ जाके देखो, आज मैंने वहाँ टीम्स लगाई हुई हैं, वो वहाँ काम कर रही हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर वाले भी कर रहे हैं, सैनिटेशन वाले भी कर रहे हैं, और बाकी जितने भी लीकेजेस हैं वो भी मैंने उनको बोला वहाँ ठीक करो, नल्स ख़राब हैं वो मुझे बता दो, और साथ में जो पानी है वहाँ उसकी टंकी साफ़ हुए कितनी देर होगी उसके ऊपर डेट लिखा होना चाहिए कि ये टंकी हमने इतनी तारीख को साफ़ की थी और नेक्स्ट ड्यू डेट ये है। उस तरीके से मैं वहाँ सफाई कराने वाला हूँ, और कोई बीट्स वहाँ जो लगी हुई हैं उनको उखाड़ने में पूरा व्यवस्थित करेंगे। ये वो स्थान है जहाँ हमें जाके अंतिम यात्रा हमारी ख़त्म होती है, तो ऐसे स्थान तो अच्छे व्यवस्थित होने चाहिए और उसके लिए हम काम करेंगे। हमारी टीम ने वहाँ पर दौरा किया, हमारी टीम ने ये भी पाया कि जहाँ मशीन इंस्टॉल की गई है वो कमरा जो है काफ़ी सालों से बंद था, वहाँ पर एक डॉग की डेड बॉडी है जिसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वहाँ पर देखने को मिला है, वो आज भी वहीं पर है। इसके लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे?
जब मैं वहाँ गया था वैसे मुझे तो वो दिखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो वहाँ होगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अभी उनको इंस्ट्रक्ट करता हूँ अपने सैनिटेशन विंग को, वो वहाँ जाके साफ़ करे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ, वहाँ का व्यवस्था का जो जिम्मा है वो वहाँ की जो कमेटी है उसका है, कॉरपोरेशन का नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि जितने भी हमारे शमशान गार्ड हैं, ये जो असेट्स हैं ये कॉरपोरेशन के हैं। वो जो कमेटी वहाँ हैं वो व्यवस्था प्रबंधन के लिए वहाँ हैं। अब जो व्यवस्था प्रबंधन के लिए होगा तो साफ सफाई भी उसमें करवानी होती है, लेकिन इन्हें गुड फेथ जी, हम ये करते हैं और ये भी मैं करवाऊंगा। जीवन का अंतिम पड़ाव यही है, हर किसी को यहीं पर आना है। हमारे प्रशासन से यही अपील है कि जो लोग यहाँ पर जिनका संस्कार किया जाता है उनके लिए एक और ऑप्शन जो है वो देने की अति आवश्यकता है। हालांकि रिचुअल्स के अनुसार जो है लकड़ियों के माध्यम से जो है संस्कार किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी डिमांड करते हैं कि मशीन के माध्यम से जो है संस्कार किया जाए। यहाँ पर मशीन है तो मशीन को जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए ताकि एक ऑप्शन जो है वो आम जनता के सामने हो। ये मशीन जो है काफ़ी समय से यहाँ पर इंस्टॉल में की गई है लेकिन फंक्शनल नहीं है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हमारे गवर्नमेंट को, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।